हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल क्लेरिफाइड लर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स में, उसका नाम है वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। क्या बोला मैंने? वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो इस क्लास टारगेट क्या रहेगा? सबसे पहला टारगेट जो हमारा होने वाला है, ये हम इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। सेकंड में रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, और थर्ड हम सारे फॉर्मुलास पर बात कर लेंगे आज, जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को आप स्टार्टिंग से एंड तक अटेंड कर लेंगे। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन के ऊपर। तो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक से। तो यहाँ पास मान लेते हैं एक पॉइंट हमारे पास ओ है। ठीक है, एक पॉइंट ओ दिया है हमारे पास। जो सिंगल पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल। में इमेजिन करना है आपको, ये पोल है हमारा, इसको क्या बोलेंगे? पोल। लेकिन जब मैं यहाँ लाइन खींचूंगा, एक लाइन हमने मान लिया, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम लेते हैं एक्स। लेकिन ये एक्सिस नहीं है। अभी हम मैं जो लाइन लिया हूँ, यहाँ कोई लाइन है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट एक्स है, इसको हम लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये एक्सिस नहीं है, ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। ये क्या है हमारा? इनिशियल लाइन। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पास कोई कर्व है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कोई कर्व है, इस कर्व के ऊपर ही हमको सारा बात करना है इस चैप्टर में। इस कर्व के ऊपर ही हमको सारा बात करना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान समझिए। मान लेते हैं यहाँ पास कोई भी हमने पार्टिकल लिया, इसको हमने इस तरीके से पकड़ के मूव कराया इस कर्व में। ये कर्व कुछ भी हो सकता है, ये कर्व एक रस्सी हो सकता है, एक चेन हो सकता है, लेकिन कर्व की तरह है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ इस पार्टिकल को धीरे धीरे मूव कराया। मान लेते हैं, सपोज करते हैं, अभी मैंने यहाँ पास पार्टिकल को पी पॉइंट पे हमारा पार्टिकल पहुंचा है अभी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अभी पी पॉइंट पे हमको हर चीज निकालना है। तो अभी हम क्या करते हैं, वैल्यू सारे पी पॉइंट पे देखना है हमको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पी पॉइंट से इस लाइन को जोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको यहाँ से इस तरीके से आगे। ये हमारा क्या किया, हमने इस ओ पॉइंट को पी से जोड़ दिया है। यहाँ पर क्या किया, हमने पहले कर्व लिया, एक कर्व क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को मूव करा रहे हैं इस पॉइंट पी तक, हमने मूव कराया। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, ओ और पी। इतना आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब हम पार्टिकल क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे और ले जाएंगे। मान लेते हैं ये जो एंगल है थीटा है, ये जो भी पार्टिकल का एंगल है, हमने लाइन बनाया, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है दो लाइन के बीच में, वो क्या बन रहा है, थीटा एंगल। हमने सपोज कर लिया कि ये जो एंगल है वो थीटा है यहाँ बस। ठीक है, अब क्या होगा कि हम पार्टिकल को थोड़ा सा आगे और ले जाएंगे। सपोज करते हैं पार्टिकल को हमने मूव कराया और यहाँ तक ले लिए, छोटा सा डिस्टेंस हमने और ट्रेवल किया। लेकिन मैं आपको डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से इमेजिनेशन हो सके। आपको अच्छे से इमेजिनेशन करना है यहाँ पास। तो अब हम क्या करेंगे, पार्टिकल को पी से नाम देते हैं, इसको क्यू पॉइंट पर हमने ले लिया। ठीक है, इस लाइन को जोड़ देते हैं हम। ठीक है, हमने इस लाइन को जोड़ दिया। अब यहाँ जो स्मॉल चेंज हुआ, पहले थीटा था यहाँ पास एंगल, लेकिन अब हमने थोड़ा सा डिस्टेंस जो कि मूव कराया, उससे क्या हुआ, यहाँ पास थीटा थोड़ा सा चेंज हुआ, उसका हम नाम देंगे डेल्टा थीटा। यहाँ जो छोटा सा एंगल चेंज हुआ है उसको हम क्या बोल देंगे, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का मतलब क्या है यहाँ पास, कि डेल्टा और थीटा का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर बहुत ही स्मॉल एंगल चेंज हुआ है। ठीक है, स्मॉल एंगल को शो क्या कर रहा है यहाँ पास, डेल्टा थीटा यहाँ शो कर रहा है। स्मॉल एंगल को यहाँ क्या शो कर रहा है, डेल्टा और थीटा। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो यहाँ जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, डेल्टा थीटा। लेकिन अगर आपको बोलूं कि आप पॉइंट क्यू तक का पूरा एंगल टोटल को मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, यहाँ पास टोटल एंगल जो है उसको आप कैलकुलेट करके बताओ। अगर आपको बोलूंगा तो क्या बोलोगे, अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल क्यू ओ एक्स एंगल क्यू ओ एक्स मेरे को आप बताओ, तो आप क्या बोलोगे, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ टोटल एंगल क्या देखा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। इससे क्या होगा, हमारे पूरा एंगल आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपको मालूम चल गया। इतना मैं आपको क्या क्या बताया कि ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस नहीं है हमारा, ये लाइन, ये हमारा ये हो गया इनिशियल लाइन। ये पॉइंट ओ, यहाँ पॉइंट पी जो कि एक कर्व में यहाँ पहुंचा है, हमने थोड़ा सा और मूव कराया तो पॉइंट क्यू चले गए, यहाँ एंगल चेंज हुआ डेल्टा थीटा। लेट पी बी द पोजिशन ऑफ मूविंग पार्टिकल पी एट एनी टाइम टी, मतलब क्या हो गया कि ये जो पार्टिकल है
हमने इसको मूव कराया यहाँ बस किसी टाइम टी पे, तो मान लेते हैं थीटा जो है किसी टाइम टी पे मूव किया, ठीक है, यहां से यहां मूव करने में इसको टाइम टी लगा और थीटा एंगल पे, तो डेल्टा थीटा में कितना लगेगा, डेल्टा टी, क्योंकि यहां पे टाइम जो है वो भी बहुत स्मॉल होगा। तो मैं आपको यहां से अगर यहां से पूरा मूव जो मैंने यहां तक क्यू तक कराया है उसका टाइम निकालना बोलूंगा तो क्या बोलोगे आप, यहां हमारा टाइम आ जाएगा टोटल टी प्लस डेल्टा टी। इतना आपको बेसिक समझ आ गया होगा अभी, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर यहां से मैंने यहां मूव कराया तो उसका टाइम टी लगा, तो अगर मैं क्यू तक मूव कराया हूं तो उसका टाइम कितना लगेगा, डेल्टा टी, कि यहां तक का टाइम टी लगा यानी टाइम टी, तो यहां क्या होगा डेल्टा टी लगा यहां से यहां मूव करने में, तो टोटल टाइम क्या होगा टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है इस तरीके से। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो यहां बस आप बताओगे आप कि यहाँ जो चेंज हुआ थीटा से, मैंने थोड़ा सा एंगल जो चेंज किया डेल्टा थीटा में, वो क्या है यहाँ पास चेंज इन थीटा, क्या है यहाँ पास डेल्टा थीटा, ठीक है। और यहाँ से थीटा से जो टाइम लगा चेंज, यहाँ से पी से क्यू तक का जो टाइम है वो कितना स्मॉल चेंज है, डेल्टा टी। तो चेंज इन थीटा, ठीक है, मतलब चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको आप डेल्टा क्या लिख सकते हो, डी थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या आ गया, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, थीटा में जो चेंज हुआ छोटा सा स्मॉल चेंज, d theta upon dt, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, या हमारा फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल p। इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा यूज क्या करने वाले हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, मैंने आपको यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया ये आपको समझ आया, यहाँ एंगल टोटल क्या आएगा थीटा प्लस डेल थीटा और टाइम क्या आ जाएगा टी प्लस डेल टी, ठीक है। इतना आपको बेसिक समझ आ गया होगा। यहाँ कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, मैंने यहाँ पार्टिकल को मूव कराया, हो सकता है यहाँ आप इमेजिन करने के लिए कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर आप चीटी, ठीक है, उसको भी मूव करा सकते हो। यहाँ से अगर आप चीटी मान लेते हैं इस कर्व में मूव करेगा, यहाँ पॉइंट पी पे पहुंचा, तो सेम कंडीशन सारे में अप्लाई होगा, ठीक है। मैंने आपको ऑब्जेक्ट लेके समझाया है। तो यहाँ आपको दो चीज मालूम होना चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट या पोलर सिस्टम बोलते हैं इसको। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर और थीटा। अगर पूरा वैल्यू अगर हमारा आर और थीटा के फॉर्म में चलेगा उसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। और वहीं अगर मैं कार्टेशियन के ऊपर बात करूं, इसमें क्या होता है एक्स और वाई के ऊपर चलता है पूरा वैल्यू। जैसे इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हम बात यहाँ थीटा देख रहे हो, हर जगह आपको थीटा का ही यूज करना है। यहाँ भी आप देख सकते हो डी थीटा अपॉन डी टी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो हम बात करने वाले हैं आर और थीटा के ऊपर बात करने वाले हैं, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो आर थीटा हो गया। लेकिन अगर मैंने पॉइंट क्यू तरफ मूव कराया तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पास लेंथ इसका इंक्रीज हो रहा है, तो कितने से इंक्रीज हो रहा है, आर प्लस डेल आर। यहाँ डेल आर जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और थीटा प्लस डेल थीटा क्या होता है, थीटा यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, देख सकते हो थीटा पहले इतना था, थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया एंगल को, ध्यान डेल थीटा हो गया, ठीक है। इस पॉइंट क्यू का वैल्यू क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। ये क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला डी थीटा अपॉन डी टी, मैंने आपको अभी पढ़ाया। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ क्या होता है, फॉर्मूला चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से क्या होगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। आपको एक चीज यहाँ और क्या लिखना है, नोटेशंस। अगर मैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पास थीटा डबल डॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा को डबल डिफरेंशिएशन हो चुका है टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, थीटा डॉट, मतलब
थीटा का टी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन, और उसका मतलब क्या होता है, थीटा डबल डॉट का मतलब क्या होगा, थीटा का दो बार डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no... तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या समझ लिया अभी तक में, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हमने अभी तक समझ लिया। अब हम चैप्टर के ऊपर आते हैं। चैप्टर में मेन जो हेडिंग में दिख रहा है आपको, रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, उसको समझते हैं। रेडियल क्या होता है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होता है। रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है, रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम से ही समझेंगे इस चीज को। मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट O है, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन एक्सिस नहीं है, हमने इसको एक कैपिटल एक्स नाम दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर सेम कोई कर्व है, मैंने आपको पहले जो जैसे बताया कोई कर्व है, मैंने इस पार्टी किसी पार्टिकल को यहाँ रख के मूव कराया और यहाँ पास रोका पॉइंट पी पे। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं पॉइंट पी। इस तरीके से सपोज करते हैं एंगल थीटा है, कुछ भी एंगल हो सकता है, वहां पास एंगल थीटा हमने मान लिया। ठीक है, तो यहां पास आप क्लियरली देख रहे हो ये पार्टिकल है, मैं उसको इधर भी मूव करा रहा हूं और ऊपर की ओर भी मूव करा रहा हूं। कैसे, ये पार्टिकल कैसे है, कर्व ऐसा है, तो मैं पार्टिकल को इस साइड मूव करा रहा हूं इधर, और ये पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर भी चलते जा रहे हैं, मतलब इधर पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, इधर भी जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, लाइन जो है पार्टिकल, ये जो डायरेक्शन देख रहे हो आप इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल डायरेक्शन, जो कि थीटा एंगल बना रहे हैं यहां से। ये जो डायरेक्शन देख रहे हो पॉइंट पी पे, जो इस तरीके का डायरेक्शन जा रहा है, ये क्या हो गया रेडियल डायरेक्शन। इस लाइन को, इस डायरेक्शन को हम क्या बोल देंगे, रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं इस रेडियल डायरेक्शन को इंक्रीज करता जाऊंगा, थीटा इंक्रीज करूंगा, थीटा इंक्रीज करने का मतलब क्या है यहां पर, कि थीटा को मैं बढ़ाते जाऊंगा इस तरीके से। अभी मान लेते हैं 30 डिग्री में है, अगर ये थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा 60 में जाऊंगा, फिर 90 में जाऊंगा, इस तरीके से अगर बढ़ाऊंगा मैं इसको इस डायरेक्शन में, ऐसे थीटा इंक्रीज करूंगा, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ओपी डायरेक्शन जो है, यहाँ पास ओपी लाइन देख लो आप, ओ टू पी जो है, ये हमारा क्या हो गया, रेडियल डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर इसको मैं पॉइंट क्यू नाम देता हूँ, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये रेडियल डायरेक्शन का अगर लाइन कोई परपेंडिकुलर है, उस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि ये इंक्रीज हो रहा है। रेडियल डायरेक्शन को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो अब इमेजिन करो अगर ये लाइन को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन की ओर जा रहा है, मतलब इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर रेडियल डायरेक्शन की ओर अगर परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है रेडियल डायरेक्शन, रेडियल लाइन के, रेडियल लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहने का मतलब ही यही है कि ये जो रेडियल लाइन है वो इंक्रीज कर रहे, थीटा की एंगल इंक्रीज कर रहे, ये शो करता है रेडियल डायरेक्शन का। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। लाइन ओपी इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी, ऑफ मूविंग पॉइंट पी। ठीक है, एंड ट्रांसवर्स क्या हो जाएगा, द लाइन ओ क्यू इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन विच शोज इंक्रीजिंग द एंगल। ठीक है, तो अभी 30 को मिटाए थे मैंने आपको, सपोज बताया। तो यहां से अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर मैंने यहाँ लिया है, या परपेंडिकुलर आप इस पॉइंट में लेते हो इस तरीके से, कुछ बुक में क्या होगा परपेंडिकुलर इस तरह भी होगा,
तो यहाँ परपेंडिकुलर लेने का या फिर यहाँ पॉइंट पी पे परपेंडिकुलर लेने, दोनों का मतलब सेम है, यहाँ पर दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, अब आपको कोई टर्म बोलेगा रेडियल वेलोसिटी, तो रेडियल वेलोसिटी आपको क्या समझ आएगा कि इस तरह का जो डायरेक्शन है इसी में अगर रेडियल वेलोसिटी होता है इस पॉइंट पी पे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल वर्ड से समझ जाना आपको रेडियल डायरेक्शन में हो। रेडियल वेलोसिटी बोला गया मतलब क्या होता है इससे कि ये जो रेडियल डायरेक्शन है उसी में वेलोसिटी हो रहा है, इसलिए हम उसको रेडियल वेलोसिटी बोल दिए। और यहाँ ट्रांसवर्स वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, जो रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, इसकी कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको समझ लेते हैं। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ रेडियल डायरेक्शन क्या हो गया, जो कि एंगल थीटा पे बन रहा है पॉइंट पी से जो लाइन गुजर रही है इस तरीके से, वो क्या हो जाएगा, रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, जो कि ऑलवेज इंक्रीज होगा इस तरीके से कि जैसे जैसे मैं पॉइंट, सपोज करो यहाँ पॉइंट अगर पी है तो यहाँ एंगल कम होगा, मैं अगर जितना पॉइंट को मूव कराऊंगा, पार्टिकल को ऊपर मूव कराऊंगा, उतना क्या होगा, एंगल जो है इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये खुलता जाएगा, लाइन जो है हमारा खुलता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेडियल डायरेक्शन, और ये हमारा जो परपेंडिकुलर होगा रेडियल डायरेक्शन का उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो इतना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि रेडियल डायरेक्शन क्या होता है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होता है, इतना आपको बेसिक समझ आ गया। कुछ फॉर्मुलाज पर बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको नोट डाउन करना है। अब फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं, इसमें क्या क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, पहला फॉर्मूला रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डी आर वाई डी टी इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर डॉट। आर डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट एक बार किया गया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, आर डॉट। ठीक है, ये रेडियल वेलोसिटी, यहाँ आर क्या है, मैंने आपको बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट में आर और थीटा के फॉर्म में ही वैल्यू होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक लाइन है, एक कर्व है, इस कर्व में जो पॉइंट पी है, यहाँ पास पार्टिकल मैंने मूव कराया है यहाँ पास पॉइंट पी पे, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस उसको क्या माने थे, वहाँ पास आर। ये चीज आपको सेकेंड फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, आर थीटा डॉट। ठीक है, अगला फॉर्मूला नोट करो आप, रेडियल एक्सेलरेशन, इस फॉर्मूले को आपको बैठ के याद नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से आपको ऑटोमेटिक ये फॉर्मूले याद रहेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वेयर आर अपॉन में डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वेयर। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे उस फॉर्म में, हम यहाँ पास आपको लिखना है डी स्क्वेयर दो बार डिफरेंशिएट हुआ डी के रिस्पेक्ट में, इसको आर डबल डॉट। ठीक है, फिर माइनस आर थीटा का दो बार टी के रिस्पेक्ट में पहले हुआ है तो थीटा डॉट फिर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में हो गया हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब क्या आएगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इसका क्या फॉर्मूला होता है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस टू डी आर बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी, इसको कैसे लिखोगे आप, थीटा का दो बार टी के रिस्पेक्ट में दो डॉट आएगा, थीटा डबल डॉट प्लस टू आर सिंगल डॉट थीटा सिंगल डॉट, ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, वन बाय आर डी बाय डी टी ब्रैकेट में आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका पॉइंट के फॉर्म लिखेंगे तो वन बाई आर डी बाई डी टी
आर स्क्वायर थीटा का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ टी के रिस्पेक्ट में थीटा डॉट। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, तो इसका भी हम यूज भी देखेंगे क्वेश्चन में किस तरीके से इसको क्वेश्चन में यूज करना है सारे फॉर्मूले को। इसको आपको याद नहीं करना है, इसको आप एक बार पढ़ के आइएगा, इसको आपको पढ़ना है एक बार, रिवीजन करना है घर जाके, उसके बाद क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, हमने जो टारगेट रखा था बेसिक कॉन्सेप्ट रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन द थर्ड फॉर्मूलाज, ये सारा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपको नोट डाउन करने के लिए कुछ सेकेंड टाइम मिलेगा, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो नोट्स के फॉर्म में। Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you tell me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we. आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है फॉर्मूले को और समझना किस तरीके से मैकेनिक्स में क्वेश्चन को, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।